सबने पिछली वीडियो में देखा कि मिन्नी की गृह प्रवेश बहुत धूमधाम से मनाई गई। तो चलिए अब देखते हैं कि मिन्नी के घर पर क्या हो रहा है। अरे बेटी कहाँ चले गई, जल्दी आओ इधर, अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करो, फिर रिसेप्शन पार्टी में वहाँ पंडाल में भी जाना है हम सबको, आओ जल्दी। हाँ हाँ मम्मी आती हूँ मैं। मम्मी मैं लेकर के आ गई, अब बस इसमें आप अंगूठी को डाल दो, मैं रख देती हूँ इसे। लो मम्मी मैंने इसे रख दिया, अब आप इसमें अंगूठी डाल दो। लो बेटा मैंने इसमें अंगूठी डाल दी है, अब आप लोग दोनों ढूंढो, देखते हैं पहले किसके हाथ अंगूठी लगती है, चलो शुरू करो। ढूंढो मिन्नी, देखता हूँ किसे मिलती है, मुझे या आपको। हाँ हाँ कार्तिक मैं तो ढूंढ ही रही हूँ, मुझे पता है मुझे ही मिलेगी। मिल गई मुझे अंगूठी। क्या भैया आप तो हार गए। अरे नहीं नहीं मैं ही जीतने वाला था, वो तो मैं मिन्नी को जानबूझ करके दे दिया कि जाओ मिन्नी तुम खुश रहो। नहीं भैया चलो अब तो आप हार गए। चलो अब तुम लोग दोनों तैयार हो जाओ, रिसेप्शन पंडाल में जाने के लिए लेट हो रहा है, मैंने तुम दोनों की कपड़े कमरे में रखवा दी है, तुम लोग दोनों जा करके पहन लो, और बहू तुम अच्छे से तैयार हो करके आना, मैं चलती हूँ वहाँ जा करके सब देख लेती हूँ सब तैयारी। ओ भैया सब चीज़ आपने अच्छे से सजा दिया ना, सब लोग आने वाले हैं। अरे हाँ हाँ अच्छे से तो सब सज गया है, एक बार देख लेते मालिक आ करके तो अच्छा रहता। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मालिक एक बार आ जाएंगे, देखिए कब तक सारे मेहमान आना शुरू होते हैं, तो एक बार चेक कर लेता हूँ जा करके खाने पीने की व्यवस्था सब सही से हुई है कि नहीं। अरे आप छोड़ो ना, आएंगे मालिक देखेंगे। अरे भैया देखो उधर से मालकिन आ रही है, मालकिन को देखते हैं सजावट कैसी लगती है हमारी। अरे भाइयों आप सबने अच्छे से सजा दिया। हाँ हाँ मालकिन हम सबने अच्छे से सजा दिया है, आप देख लीजिए एक बार सजावट कैसी लग रही है आप। हाँ हाँ सजाया तो आप सबने अच्छा है, डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रहा है, और सब लोग आने लगेंगे तो आप लोग यहीं पर गेट पर ही खड़े रहिएगा, मैं जाती हूँ तब तक देख लेती हूँ खाने की सामग्री में क्या क्या आया है। हाँ पुआ तो कंप्लीट हो गया है, लाल वाला रसगुल्ला भी बन गया है, अरे एक अलग से पुआ किसने रख दिया। हाँ पुलाव भी बन चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ चुके हैं, और देख लेती हूँ कचौड़ी बने कि नहीं। हाँ कचौड़ियाँ भी छका चुकी है और सब्जी भी बन चुके हैं, अब मैं जाती हूँ, मिन्नी और कार्तिक को भी अब लाना होगा, मेहमान सब आने लगे हैं। स्वागत है मैम आपका, बैठिए। कोई नहीं आया है लगता है अब तक, मैं ही आकर के बैठ गई हूँ पहले, क्या बात है यहाँ हर टाइम लेट ही होते रहता है, देखती हूँ अच्छे से नज़र दौड़ा करके कोई आया है कि नहीं। हाँ लगता है कि सीमा की मम्मी आ गई है, उनसे बातें करती हूँ, पूछती हूँ उन्हें कुछ पता है क्या। अरे सीमा की मम्मी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अरे दूल्हा दुल्हन अब तक क्यों नहीं आए हैं, पता नहीं देखिए कब तक आते हैं दूल्हा और दुल्हन। हाँ बस वेट ही तो करना है, और हम लोग को करना भी क्या है। मैं लगता हूँ सबसे पहले मैं ही पहुँचा, ला लला ओहो ला लला ओहो। अरे भोला आ गया फिर, अरे भोला कहाँ रे तुम, फिर वही कपड़ा पहन करके आ गया गरीब जैसा, खाली माथा में लपेट करके आ गया है, तो क्या पहनता और मैं, तुमने कितना अच्छा पहन रखा है, तो मैं यहाँ पे दरबार बनाऊँ, तुम क्या करने को आया है। अरे तो मैं नहीं आऊँगा, मेरी रिश्तेदार की शादी है, जाओ जा करके बैठो। अरे ये कौन बैठ गया है स्टेज पर चढ़ करके, कौन मैडम आई है ये, मुझे नहीं पता कौन आकर के बैठ गई है, मैं क्या बोलूँगा, जाओ आप ही जा करके बोलो अगर आपकी बात समझे तो। हाँ अभी जाता हूँ, बोलता हूँ, खबर लेता हूँ अच्छा से, दूल्हा दुल्हन का सीट पर अपने जा करके बैठ गई है, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है। अरे ओ मैडम जी आप क्या यहाँ पर चढ़ के बैठ गई है, ये आपकी सीट है, जाइए आप जा करके उधर बैठिए, ये दूल्हा और दुल्हन की सीट है, अभी आते होंगे कार्तिक और मिन्नी, चलिए उतरिए। अरे मम्मी मैं तो सच के आ गई, भाभी के घर वाले अब तक आए कि नहीं। नहीं पता मुझे, मैं क्या बोलूँ, मैंने तो फ़ोन कर दिया है कि अब आ जाइए, टाइम हो गया है आने का, उन लोगों ने बोला कि निकल गए हैं घर से, देखो कितने देर में आते हैं, अब एक काम करो जा करके अपनी भाभी और भाई को ला करके बैठाओ स्टेज पर, बहुत मेहमान आ चुके हैं अब तक, सब लोग सबसे इंतज़ार कर रहे हैं, कितने देर करोगे। ठीक है मम्मी मैं जाती हूँ, भाई और भाभी को बुला करके लाती हूँ। फिर
लेट हो गई लगता हूँ मैं। अरे अरे मैडम रुकिए रुकिए, आप लगता हॉल भूल गई है अपनी शादी की। ये हमारी मालकिन की बहू और बेटा का रिसेप्शन हो रहा है, आप जाइए दूसरे हॉल में, यहाँ नहीं है आपकी शादी। अरे मैं यहाँ रिसेप्शन में आई हूँ, मैं यहाँ अपनी शादी में नहीं आई हूँ, मेरी भी नई नई शादी हुई है इसलिए मैं इतने तैयार होकर के आई हूँ। ओ क्षमा 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 मैडम, आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए मैडम बैठिए बैठिए। अरे मेरी बेटी और पुताहू, कोई फोटो तो खींचो, पहले इन लोगों की खींचो अच्छी अच्छी फोटो। कहाँ गया कैमरामैन? अरे अरे अंकल मैं यहाँ हूँ, आता हूँ खींचता हूँ मैं फोटो। आ गया मैं अंकल, खींच देता हूँ मैं फोटो अच्छे अच्छे। थोड़ा पोज मारिए, थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा इधर देखिए आप लोग, इधर 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 इधर। अरे बहुत फोटो हो गया, आप फैमिली फोटो खींच दो, थोड़ा और पोज मारिए मैम। अरे बहू, अरे बेटा, अच्छा अच्छा फोटो खिंचवा लो। अरे कार्तिक सर, गाना लगा दूं? हाँ हाँ लगा दीजिए, ठीक है। कौन सा लगाऊं? जो अच्छा लग रहा है लगा दीजिए, ठीक है देखता हूँ मैं। डांस करोगी मेरे साथ? आइए आइए सब लोग आइए, उठिए उठिए उठिए। अरे चिंकी कहाँ गई? आइए आइए पापा आइए, देखिए देखिए डीजे भी कनेक्ट हो गया। आइए आइए सब लोग। अरे भोला कहाँ गए? अरे अरे मैं मुझे मुझे सबसे पीछे दाब दिया आप सबने। अरे मुझे निकलने दो निकलने दो। अरे आता हूँ मैं। चलो चलो चलो, डांस होगा डांस होगा, मैं तो सबसे पहले डांस कर लूंगी अपनी फुआ के साथ। आ जाइए सब लोग। मैंने तभी देखा नहीं था अच्छा से। ओहो हाँ, ये क्या कर रहे हो? हाँ मैं नहीं डांस कर रही हूँ जी, कितना मोटा आदमी है बैंस। चलिए मैम चलिए, अरे बहू रानी चलिए, खाना लग गया है वहाँ इंतजार कर रहे हैं, चलिए आइए आइए सब लोग आइए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।